Once again. हेलो एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपने टेरेस गार्डन से रेड चिली हार्वेस्ट करने जा रही हूँ। देख रहे हैं ये ग्रीन वाली चिली फ्रेंड्स रेड हो चुकी है, तो मैं सोची कि क्यों ना कि इसकी पिकल बना लूँ। तो आज मैं ये सारी जितने भी रेड चिलीज हैं फ्रेंड्स, उसको आज मैं हार्वेस्ट करूँगी और उसकी मैं अचार बनाऊँगी, अचार तैयार करूँगी और उसकी वीडियो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग चिली हार्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें हमारे साउथ में इस तरीके की चिली रेड वाली मिलती है फ्रेंड्स, जो कि जैसे मोटी वाली हम लोग हमारे साइड में चिली मिलती है ना फ्रेंड्स, जिसके हम लोग अचार तैयार करते हैं, वैसे ही ये भी चिली हार्वेस्टिंग कर लेते स्टार्ट कर देंगे जी। इसको चिली इसको खराब होने भी स्टार्ट हो चुके हैं। दो दिन से यहाँ पे बारिश हो रही थी फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा, तो इसकी वजह से मैं इसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाई, चिली भी सूख नहीं कर पाई। तो देखिए एक प्लांट से मैं कितनी ज़्यादा वो भी रेड ओनली रेड चिली मैं हार्वेस्ट की हूँ एक प्लांट से, इतनी ज़्यादा मैं की हूँ वन प्लांट से। और ये देखिए इधर भी बहुत है, ये देखिए खराब होना भी स्टार्ट हो चुके हैं, ड्राई मतलब चिलीज को ओवर वाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं है फ्रेंड्स, इसीलिए हमेशा चिलीज में जब उसकी मिट्टी ऊपर से ड्राई दिखे तभी आप उसमें पानी डालें। इसको भी मैं तोड़ लेती हूँ, कुछ दिन बाद ये भी रेड हो जाएंगे इस टाइप का भी। ये देखिए कितना सारा चिली सारे रेड हो चुके हैं। तीन चिली प्लांट से इतनी सारी चिली हार्वेस्ट की हूँ, इतनी सारी मैंने पिकल भी नहीं बनाता हूँ। अभी देखिए फिर इधर अभी है, इसमें भी काफ़ी रेड हो गए, तो जो मोटी वाली है फ्रेंड्स उसी का मैं पिकल तैयार करूँगी, क्योंकि देखती हूँ उसमें मैं छाटूंगी काफ़ी ज़्यादा है। इतना सारा चिली मैं तोड़ने वाली हूँ देखिए इसमें भी मानो मेरे घर में तो चिल्ली का बगीचा ही बन गया। ये तो पूरा प्लांट ही मतलब ये देखिए
यही दिखाइए, इधर थोड़ा कैमरा कीजिए, ये देखिए कितना ज्यादा, जितने इसमें लीफ नहीं है उससे ज्यादा इसमें खिल लीजिए फ्रेंड्स। तो इसमें भी बहुत ज्यादा रेड रेड, ये देखिए शरबत में तोड़ने में खिल लीजिए, टूट जा ये इसका स्टेम ही टूट जा रहा है, बहुत ही इसके नाजुक होते हैं स्टेम। और भी है अभी इसमें भी है, इसमें ज्यादा नहीं हुई है क्योंकि मैं बीच में डेली इसे हार्वेस्टिंग भी करती हूँ। बहुत सारे और भी हैं बट मैं इसे छोड़ दे रही हूँ। तो फाइनली ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आज कितने सारी चिलीज अपने प्लांट से हार्वेस्ट की हूँ और मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि इतना सारा चिलीज हमारे टेरेस गार्डन पे मतलब ग्रो हुए हैं। और देखती हूँ उसमें मैं इतने सारे चिलीज का तो पिकल नहीं बनाऊंगी, बट इसमें मैं जो जो मोटे हैं थोड़े से जो मतलब पिकल उसके लायक है उसे मैं बनाऊंगी। कितने प्यारे लग रहे हैं रेड रेड, अभी भी बहुत सारे प्लांट, अभी मतलब प्लांट में ही बहुत सारी चिलीज को मैं अभी छोड़ रखी हूँ, बहुत सारे ग्रीन है अभी भी, बहुत सारी चिलीज है, मैं जितना थोड़ी उसका डबल अभी इसमें है। तो फ्रेंड चलिए अभी तो फ्रेंड चलते हैं अभी इसका हम लोग पिकल बनाते हैं, इसके पिकल की रेसिपी मैं आप सबसे शेयर करती हूँ कैसे बनाना है। और उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड्स आज की हमारी ये रेसिपी आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और पसंद आया तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।